मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को खुद के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल होने के संकेत दिए हैं। बुधवार को बाणगंगा इलाके के कुम्हार खाड़ी में आयोजित लाडली बहना योजना के कार्यक्रम के दौरान विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि मैं यहां से विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी मुझे इससे भी बड़ी जवाबदारी देगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में उनके प्रदेश का अगला सीएम बनने की रेस में शामिल होने के कयासों पर मुहर लगती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय बंगाल से खारिज होकर आए, दिल्ली से भी खारिज होकर आए, अब इंदौर की जनता भी उन्हें खारिज कर देगी। वे उलझुलूल बयान देते हैं, उनके बयान उनको मुबारक। दरअसल विजयवर्गीय ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया था, इसी को लेकर सुरजेवाला ने बुधवार को इंदौर में पलटवार किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना को लेकर कहा, मोदी जी भटकते बहुत हैं और भटकाते भी बहुत हैं। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में शामिल रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल ने कांग्रेस की सूची घोषित न होने की वजह बताई। भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने टिकट की लिस्ट जारी न होने को लेकर कहा, आजकल कड़वे दिन चल रहे हैं, हम लोग सनातन धर्मी हैं, उचित समय पर लिस्ट निकलेगी, भाजपा के दो चार सांसद और मैदान में उतर जाएं, फिर हम अपनी लिस्ट निकालेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में 18 से 19 साल के 22,36,564 मतदाता पहली बार वोट करेंगे। बुधवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में कुल 5,61,36,229 वोटर हैं। नई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अब 1,000 पुरुषों की तुलना में 945 महिला वोटर हैं, जबकि 2011 में जेंडर रेशियो 1,000 पुरुष पर 931 महिलाओं का है। 29 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिला वोटर ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश में आचार संहिता को देखते हुए सरकार ने लाडली बहना योजना की किस्त पहले ही जारी कर दी है। चुनाव की तारीखों की घोषणा न हो जाए उससे पहले ही इस बार राशि को जारी कर दिया गया है। लाडली बहना योजना की पांचवी किस्त सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर से बहनों के खाते में डाली है। सीएम ने कहा, पुलिस में 35% भर्ती बेटियों की करूंगा, वो गुंडों का मुकाबला करेंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।